तुम्हारे चुल के चक्कर में सुबह 3 बजे उठाए हो बेटा तुम। चलो भाई इसमें की क्या बेटा की। चाय? नहीं नहीं दूध वाला। हाँ चार गैया का दूध, गैया का नौ बकरी। तुमको भी विनोद दिखाई दे रहा है, विनोद का टेंट खत्म हो लग रहा है। अब जब कोई पूरी रात नैल भोसड़ी की। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम निकल चुके हैं अपनी दूसरी रोड ट्रिप पे। 2 दिन की ट्रिप है जो मैं जा रहा हूँ अपने नए दोस्तों के साथ। ये हमारे विजय भैया, दिग्विजय, दिग्गू। आई नो हिम फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स। जब भी आता हूँ तो वी ऑलवेज हैंग आउट इन दीमापुर। ज़्यादा व्लॉग्स भी इसे नहीं दिखाया क्योंकि ये थोड़ा बहुत बिजी भी रहता है और थोड़ा बहुत शर्मिला भी है इन केस ऑफ व्लॉग्स। और दूसरे खिलाड़ी है हमारे सागर भैया, सागर ब्रो। लाइक इसे तो मैं ऑलमोस्ट बचपन से जानता हूँ, वी यूज टू गो टू द सेम स्कूल। ये भी कोने में घुसे हुए हैं। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि मैं काफी आ चुका हूँ व्लॉग में। हाँ। ये दो लड़के नए हैं, मेरे दोस्त हैं ये दोनों। 2 दिन की ट्रिप है सो आई विल ट्राई जितनी ज्यादा ज्यादा व्लॉग बना सकूं। प्लान है मे बी शिलोंग वगैरह भी जाने का या फिर कमक्या हिल टॉप है उस पर भी जाने का हमारे प्लान है। तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप लोगों को व्लॉग दिख जाएगा। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, हमने रात को 3 बजे स्टार्ट किया था। अंधेरा था तो मैंने ज्यादा व्लॉगिंग नहीं की। मैंने सोचा था सुबह 7 बजे निकलेंगे लेकिन अचानक इनका प्लान चेंज हुआ और अभी मैं सुबह के 3 बजे जस्ट घर से निकला हूँ सबको टाटा बाय बाय करके। अभी ये साले सब बाहर हैं। जीवन भैया पीछे बैठे हैं जो हमेशा मेरे साथ कहीं ना कहीं। गुड मॉर्निंग। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आ गया ये जिसको सुबह सुबह चुल था। तुम्हारे चुल के चक्कर में सुबह 3 बजे उठाए हो बेटा तुम। चलो भाई इसमें की क्या बेटा की। प्लान यही था कि हम रात को जल्दी निकलेंगे ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले गुवाहाटी एंटर करते टाइम। होप आपको कोहिमा वाला रोड ट्रिप है उससे डबल मजा इस रोड ट्रिप पे आए क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा अनोखे हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा बकचोदी भरे हैं व्हाट आई कैन से। सो होप आप लोगों को ये व्लॉग्स देख के भी मजा आएगा। डिपो मारना नहीं दिखेगा दूसरी जगह से। फोन अंदर रख। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे जस्ट अभी याद आया कि जो दीमापुर है वो आसाम से बिल्कुल लगा हुआ है। सो अगर आप लाइक 5 मिनट ड्राइव करोगे देन यू विल एंटर आसाम। अभी हम आसाम के रास्ते से ही निकल रहे हैं। इन रास्तों पे हाथी वगैरह काफ़ी निकलते हैं रात को क्योंकि ये काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए गुजरता है ये रास्ते। यू हैव टू बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। सो होप हम सेफली ये ड्राइव कम्प्लीट कर दें। हमने अराउंड 190 किलोमीटर कवर कर लिया है 3 घंटों में। ने काफी बढ़िया गाड़ी चलाई है, हंस रहा है, सारी रात हंस रहा था सारा। किसी को भी सोने नहीं दिया इसने, मुझे भी सोने नहीं दिया। लेकिन हमारे जीवन भैया जहाँ जगह मिलता है वहाँ सो जाते हैं। तो वो तो सो लिए। बोलो रात भर मुझे परेशान करके रख दिया। अली बाबा का ढाबा नहीं भैया? बंद है भाई, मंदिर मंदिर है। यहाँ चाय नहीं मिलेगा। बंद कर इसको। जीवन बाबू तो सो साहब के कुछ बोल रहा है। मुझे तो आ रही है नींद, बोलना क्या है, बस सोना का मन है। तो समझ रहा हूँ गेट गोल की तो फेंकता हूँ बाहर लंबा लंबा सोचाता हूँ इसको ऊपर से उड़ा देता हूँ। हाँ दिल कर दे। जीवन तुम्हारा चाहने वाला बहुत है। हाय हेलो बोल दो। क्या बोले? हाय व्यूअर्स। व्यूअर्स हाय कौन? हाय व्यूअर्स। व्यूअर्स व्यूअर्स
क्या रात भर सो नहीं पाए तो वही शरीर में पूरी थकावट आई है, मन कर रहा है कि लंबे हो जाए कहीं, लेकिन साली जगह नहीं हो रही गाड़ी में। अच्छा जो ये गाड़ी कैसा, कंफर्टेबल? गाड़ी में तो मजा आ गया, मक्खन चल रही है, मक्खन। डस्टर ज्यादा अच्छा है क्रेटा? मजा तो इसमें आ रहा है क्योंकि डस्टर चलानी पड़ती है ना, इसमें बैठना पड़ता है। नहीं, बैठने का गाड़ी में मजा अलग ही होता है। कोई कोई लंडे फ्री चुता होते हैं, मुझे बैठ जाते हैं। जो चलाता हूँ मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग फ्री चुता है, मैं तू ये हम लोग फ्री में बैठे हैं ना, मतलब वो चला रहा है तो हम तो ऑफर दिया उसको चलाने का, वो बोला ही। चाय हाँ है ना, ठीक है। नहीं नहीं दूध वाला, हाँ चार गैया का दूध, गैया का नौ बकरी। भाई साहब हमें चाय की टपरी मिल गई है इस हाईवे पे, काफी सुंदर सा हाईवे है और मेरे पीछे आप सनराइज देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारे दिग्गू भैया की नई क्रेटा, होपफुली चाय भी वहाँ की इतनी अच्छी हो जितने अच्छे आसाम के लोग हैं। हवा चल रही है तो जिसकी वजह से ठंड थोड़ी फील हो रही है हमें। तो दिग्गू कैसा रहा तुम्हारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस सारी रात? बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजरा है, काफ़ी फोगी था। हाँ यार, लेकिन ठीक था ना, रास्ता थोड़ा बहुत खराब, इतना रास्ता खराब नहीं था, थोड़ा बहुत बस एक दो जगह रास्ता बचा भी था। हम चाहे सो गया होगा उस टाइम। चलिए चाय नाश्ता हो गया है और अब हम निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। गाड़ी अब मैं चलाऊंगा, दिग्गू भाई को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है क्योंकि सारी रात करीबन 4 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। सो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा गाड़ी चलाएं। विनोद दिखाई दे रहा है, विनोद का टेंट खत्म हो रहा है, जिंजर है वो। डालो अंदर, डालो अंदर, अंदर वाला, इसमें इसमें डालो। मार पकिंग बीच कुछ बोल, गली दे आ गया तुमको। ब्रो दिस इज नॉट डन ब्रो, मेरा पर्स तो निकाल के दो, मेरा आईडी वाईडी उसी में, बुकिंग नहीं मिलेगा फिर। बहुत मचा रहे हो बे, हम थोड़ा गर्म होंगे। लेकिन हमारा चेक इन 10:30 11 के आसपास है और अभी 9 बजे हैं, 2 घंटे बाकी हैं। सो वी आर ट्राइंग टू किल सम टाइम इन द टाउन। भैया जी को और सागर जी को शेविंग वगैरह ग्रूमिंग थोड़ी करानी है, तो इसके लिए वो लोग मैनीक्योर पेडिक्योर करानी है थोड़ी और हो सके तो मैनीक्योर पेडिक्योर भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सागर बाहर सागर सागर लंबा इतना है, पोल पक्का लगेगा सागर को माता में, पोल टेढ़ा हो जाएगा। गणेश गुड़ी वाला ही है ना, तुमको तो अभी सब पता चल गया था? नहीं नहीं नहीं, तब तुम खुद ही ढूंढो, हम नहीं। गणेश गुड़ी वाला, अरे डोंट फक, डोंट ट्राई टू, दिस इज गणेश गुड़ी यार ब्रो, फादर डोंट ट्राई टू टीच योर फादर हाउ टू। भाई आगे सिगरेट पीने बैठा है, तुम सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है सागर शर्मा, हम तो रिकमेंड नहीं करेगा जावेद अभी। क्या बिल्डिंग उड़ गया? जावेद अभी उड़ गया, ओ हम क्यों उतरेगा भैया? आगे आ जाना भूषण। अच्छा ऐसा बोलो, गाड़ी 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 निकल जाएगा तो यार निकलो ना, निकलो, डर क्यों रहा है तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। उठ नहीं रहो,
छुटपुट आदमी थोड़ी ना बेंच नहीं जाएगा हमको तो नहीं दिख रहा है जावे तभी जाएगी नहीं लोग जावे तभी गारंटी नहीं जाएगा नहीं नहीं चला जाएगा इसका सस्ता ही है लेकिन हट गया हमको लग रहा है रे ढूंढते रहो तो दिखाई नहीं जावे तभी पाका वहां पे वो हेयर कटिंग का वो भी है तो हम आ रहा है तुम लोग को लेने के लिए बाद में स्पा कराने जाएगा तो तुम लोग चूली काट लेना हम लोग स्पा करा लेगा ये हमेशा यही जितना गलत रास्ता लिया है ना हर बार बोला है नहीं इस बार सही और हर बार गलत रास्ता लेके जाता है थोड़ी भूतिया हवेली टाइप है भाई ये तो बहुत आमने सामने देगा बोला उसमें ट्राई कर रहा था है ये आराम खोर तो फाइनली अब टाइम आ गया है कि हम बेड पे गिरें और सो जाएं मैं आपको रूम टूर अभी दे देता हूँ क्योंकि बाद में रूम की हालत बहुत गंदी होने वाली है कुछ नहीं है सिंपल सा रूम है हम जिंजर होटल में रुके हुए हैं जो गुवाहाटी में है उसमें और ये है हमारा वॉशरूम छोटा मोटा सा और एक ट्विन बेड है जहाँ हमारे दिक्कू भाई ऑलरेडी बसेरा डाल चुके हैं ठीक है डिसेंट सा रूम है शॉर्ट इंटरवल में इससे अच्छा और क्या मिलेगा आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई मेरा नाम है जय फ्रॉम चैनल जय बॉय व्लॉग्स टेक केयर बाय बाय जय हिंद चल चुकी है 250 किलोमीटर की रफ्तार से कर ले तू कर ले हमें चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है इसका माला मारा